क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 6.35 है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक है। मैं सुनील सर स्वागत करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या एक बार और बता देते हैं कौन कौन सा इसमें सूत्र यूज करेंगे? सूत्र 1 स्पर्श रेखा की प्रवणता, क्या होता है जब भी आप dy बटा dx का मान निकाल देंगे तो ये हो जाएगा। दूसरा अभिलंब का परिवर्तन, तो ये जब भी आएगा तो माइनस 1 बटा डी वाई बटा डी एक्स। तीसरा स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस वाई बराबर डी वाई बेटा डी एक्स, एक्स माइनस एक्स। चार नंबर अभिलंब रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण तो वाई माइनस वाई माइनस 1 बटा डी वाई बेटा डी एक्स और एक्स माइनस एक्स। ऐसा फार्मूला बा जिसका प्रयोग करके हम लोग प्रश्नावली को क्या करेंगे, लगाएंगे 6.3 को। चले लगाना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वहाँ लगाते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हल करने के लिए चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट किताब दे रहा है, देखो पहला क्वेश्चन आपका है कि वक्र y बराबर 3x पर 4 माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की पुनरावृत्ति बताना। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई बराबर 3x पर 4 माइनस 4x माइनस 4x और x पर बता दिया 4 पर स्पर्श रेखा की परिवर्तन बताना। स्पर्श रेखा का परिवर्तन चलो देखो खूब बढ़िया से ये दिया है, हमें क्या करना है ना इसका मान निकालना है। देखो जब भी अवकलन करेगा तो जो दिया है ना यहाँ पर लिख देना वाई बराबर 3x पर 4 माइनस 4x, तो लिखाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या होगा डी वाई बटा डी एक्स। अगर अवकलन करना है तो बहुत ध्यान से देखना, इतना निकालिए अवकलन करोगे ना तो यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स आई डी डी एक्स होंगे लिखना 3x के ऊपर 4। हम बताते हैं देखो ये जो 3 है वैसे ही रखो, अवकलन में जब भी x के ऊपर जो भी घात होगा आगे कर लो आ एक हमेशा घटा देते हैं, ये रूल होता है। माइनस आई 4 वैसे ही लिखो, x का वही होगा कि एक आगे आ जाएगा घात एक है तो एक वैसे ही घटा देंगे तो चाहते हैं 12 और 4 में सही जाएगा 3 माइनस केवल हो जाएगा 4 तो डी वाई बटा डी एक्स इतना आपका आ गया अवकलन। लेकिन फिर भी सवाल में x बराबर 4 पर कहाँ है तो अब डी वाई बटा डी एक्स वही ना लिखो, x अब यहाँ पर 4 रखना है बराबर 12 और 4 के ऊपर 3 माइनस 4 भाई 12 बराबर 4 जो सोचो 64 माइनस 4 तो अब हो जाएगा बढ़ चुके 48 अब बात है 72 4 76 माइनस 4 बराबर 764 पहले आपका आंसर आ गया। देखो ठीक है समझा, मैं समझने की क्या बात है इसमें अवकलन करोगे तो जो अंक है उसको पहले लिख लो, जो घात होता है उसको आगे घटा दो, यही ये अंक वैसे ही लिख रहे इसमें जो घात है उसको घटा करके हल करोगे जितना आगे और फिर जहाँ एक्स होगा तहाँ 4 आपको भर करके हल करना।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग सेकेंड के पास। सेकेंड कह रहा है कि वाई बराबर एक समाइन है टू बटम एक समाइन से एक बटम एक समाइन टू, एक्स का मान माने टू नहीं रखना है तो इन्फाइनिटी हो जाएगा, तो एक्स बराबर दस पर स्पर्श रेखा की परवर्ता बताना है। सेम यही सवाल है, तो वाई बराबर का दिया है तो एक्स बराबर दस पर पूछ रहा है, और वाई बराबर दिया एक्स माइनस एक और बटम एक्स माइनस दो। अब पढ़े होंगे कि ऊपर अलांस नीचे वाला हर, एक सूत्र भी बताया गया था, उसी सूत्र का प्रयोग पहले लिखेंगे x के सापेक्ष आकलन करने पर, x के सापेक्ष आकलन करने पर जब आकलन करेगा तो क्या होगा, डी वाई बटा डी एक्स हर आगे कि डी डी एक्स, तब अंश तब अंश तब डी डी एक्स अब हर, और नीचे जो आपका होगा हर का स्क्वायर, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स माइनस वन गुणा एक्स का आकलन एक माइनस एक्स माइनस दो, क्योंकि पीछे वाला वैसे ही लिख देते हैं, इसका एक्स का आकलन एक और नीचे हमारा जो एक्स माइनस दो है इसका होल स्क्वायर, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स माइनस एक और माइनस एक्स प्लस दो और नीचे आपका एक्स माइनस दो का होल स्क्वायर, डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस दो वैसे ही लिखो बटा में एक्स माइनस दो इसका होल स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर दो में से ही जाएगा ये, हालांकि एक्स बराबर आपका दिया है ना दस दिया है तो दस रख लो इसमें, तो दस माइनस दो इसका होल स्क्वायर, तो एक बटा आठ का होल स्क्वायर बराबर एक बटा चौंसठ हमारा आंसर है। सेकेंड नंबर सवाल भी बताओ, जब भी मैंने ऐसे पूछेगा तो आप इसको अवकलन करके क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बना लोगे सब लोग। हाँ चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किसके पास, थ्री नंबर पे पास, थ्री नंबर क्वेश्चन के पास, थ्री नंबर क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि वक्र y बराबर एक्स पर थ्री माइनस एक्स प्लस वन के स्पर्श रेखा की परवर्ता ज्ञात कीजिए, उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक दो है। थ्री नंबर क्वेश्चन में ता दिया है, देखते हैं पहले तो आपके x निर्देशांक का मतलब ये हुआ कि x का मान आपके पास कितना दे दिया है तीन, देखो ना x दो है तो x निर्देशांक दो है तो x का मान दो हो गया, और y बराबर दिया गया आपके पास एक्स पर तीन माइनस एक्स प्लस वन, तो क्या करेंगे इसको एक्स के सापेक्ष आकलन करेंगे, तो यहाँ पर लिख लो एक्स के सापेक्ष आकलन करने पर तो क्या होगा, डी वाई बटा डी एक्स डी डी एक्स एक्स पर तीन डी डी एक्स और डी डी एक्स वन, ये हो जाएगा थ्री एक्स पर दो, देखो तीन आगे इधर एक हो जाएगा तो डी वाई बटा डी एक्स का मान दिया, ठीक है, लेकिन एक्स का मान दो दिया है तब एक्स बराबर दो इसमें रख लो, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर तीन दो के ऊपर दो माइनस आई तीन और दो के ऊपर दो का मतलब चार माइनस एक बारह माइनस एक बारह में से कितना आ जाएगा ग्यारह बनेगा, बात समझ रहे बोलो। आओ क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चार को हल करते हैं। चार नंबर है कह रहे हैं कि वक्र दिया गया है, वक्र हमारे पास है वाई बराबर एक्स पर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये आपका वक्र दिया है, और क्या दिया है जरा देखते हैं, और क्वेश्चन में ही कह रहे हैं कि एक्स अक्ष का निर्देशांक तीन दिया है, यानी यहाँ क्वेश्चन में एक्स बराबर तीन दे दिया है, और क्या कहा स्पर्श रेखा की परवर्ता बताना है, स्पर्श रेखा क्या बताना है परवर्ता, तो पहले क्या होगा ना जो सवाल दिया उसको वाई बराबर लिख एक्स पर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष
अवकलन करने पर तका डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। इसको पहले लिख लो, ऐसे ही लिख के दिखा दो, डी डी एक्स एक्स पर थ्री, फिर डी डी एक्स थ्री एक्स स्क्वायर, फिर डी डी एक्स टू और डी वाई बटा डी एक्स थ्री एक्स स्क्वायर थ्री ऐसे टू आगे इसमें से घट जाएगा वन जीरो और डी वाई बटा डी एक्स ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस छः एक्स, बस इतना हो गया। लेकिन सवाल में एक्स बराबर थ्री तो दिया है ना, तो इसमें रख लेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स अब थ्री है, यहाँ थ्री के ऊपर टू माइनस सिक्स इंटू थ्री, थ्री इंटू नाइन माइनस एटीन, सत्ताईस माइनस एटीन नाइन आ गया आपका आंसर। समझ रहे हो, देख लो लगा लोगे। पूछना है कुछ? क्वेश्चन नंबर पाँच आ जाओ। पाँच में क्या दिया? वक्र आपके दो दिया गया, एक तो आपका दिया गया है हाँ ए कॉस क्यू थीटा वाई बराबर ए साइन क्यू थीटा और थीटा बाई पाई बाई फोर। लेकिन इसमें देख लेना ध्यान से अभिलंब क्यों होता है, अभिलंब का पुनरावर्तक। तो पहले क्या करेंगे ना, जो दिया गया ये वाला हिस्सा तो एक्स वाला लिख लेंगे, एक्स बराबर ए कॉस क्यू थीटा और हम इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कहा जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। सुनो ये वैसे ही रखना बाबू, पहले घात के लिए करोगे तो तीन आगे इसमें से घट जाएगा दो और फिर कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, इसको एक मान लो ठीक है। आप एक और दिया है ना पुनः वाई बराबर आपका दिया है, वाई बराबर आपके पास क्या है ए साइन क्यू थीटा, इसको भी लिखोगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष का करने पर अवकलन तो क्या होगा, अवकलन करोगे तो देखो ध्यान से बाबू हाई डी वाई बटा डी थीटा हो जाए, जहाँ सापेक्ष किया जाता है तो नीचे रहता है भाई, ए वही यहाँ रखो भाई तीन आगे इसी में से घटा दो और फिर साइन का कास होता है तो कास थीटा तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा थ्री ए दो बचेगा और यहाँ पर कॉस थीटा। इसको समीकरण में क्या मान लो, दो मान लो। आप जानते क्या करना है, समीकरण एक में समीकरण दो से भाग दे दो, समीकरण दो में क्योंकि ऊपर दो आई चाहिए, समीकरण दो में समीकरण एक से भाग देने पर तो दो ए डी वाई बटा डी थीटा एक ये कौन डी एक्स बटा डी थीटा, दो में हमारे पास है थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, दो ए है माइनस आगे थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ए स्क्वायर से कॉस स्क्वायर से ए से ए थ्री से थ्री डी थीटा डी थीटा, खाली हमारे पास बच गया डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या बचा है बाबू, साइन यहाँ पर एक यहाँ पर एक कॉस, साइन बटा कॉस किस में हो जाएगा और माइनस भी है माइनस टेन थीटा हो जाएगा माइनस टेन थीटा, तो इधर आओ डी वाई बटा डी एक्स माइनस टेन है जहाँ थीटा है उसके ऊपर हम लोग को कहाँ रखना है, दिया है थीटा इधर पाई बाई फोर दिया होगा साइन, यहाँ देखो तो पाई बाई फोर रखो तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस और टेन पाई बाई फोर के क्या आ जाएगा वन, हमारे पास क्या आ जाएगा वन आ जाएगा
अच्छा, इसके पहले वाले सवाल में अभिलंब का प्रवणता पूछा था, समझ रहे हो ना? तो माइनस एक बटा नौ होगा ये, ठीक है। डी वाई बटा डी एक्स का मान इतना आ गया, क्या करना है आपको? सवाल में ही कह रहा है ना कि अच्छा चलो ये हो गया, हमको बिंदु मालूम करना है, बिंदु मालूम कर लो। तो बिंदु एक सरवाई का जो मान होता है उसी को रख करके बिंदु हम लोग निकाल लेते। आप पढ़े भी थे, याद भी होगा कि जब भी सवाल में अच्छा खरी कहाँ पूछ रहा, अभिलंब की प्रवणता हो गया था। अगर अभिलंब की प्रवणता पूछ रहा है, अभिलंब का प्रवणता तो हो जाए, देखो माइनस एक बटा डी वाई बटा डी एक्स लिखा भी गया है, देखो ना अभिलंब के लिए माइनस एक और डी बटा डी एक्स का मान आ गया माइनस एक, माइनस माइनस के से एक हमारा कहाँ आ गया आंसर, बोलो बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर बाबू आवाज सिक्स के पास हम लोग चलते हैं। सिक्स में देखो एक दिया गया है एक्स बराबर ए माइनस एक माइनस ए साइन थीटा दिया है, एक वाई बराबर बी कॉस स्क्वायर थीटा दिया, और थीटा बराबर पाई बाई टू पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का प्रवणता आपसे पूछ रहा है। देखो सवाल समझो सब लोग, हमें अभिलंब की प्रवणता बताना है, तो माइनस एक बटा डी वाई बटा डी एक्स, अगर हमें डी वाई बटा डी एक्स का मान मालूम हो जाए तो इसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले ये वाला हल करते हैं। आपको पहले तो एक्स बराबर जो है ना एक माइनस ए साइन थीटा, तो हमेशा जब थीटा आ जाता है तो अगर टी होगा तो टी के सापेक्ष, और थीटा होगा तो थीटा के सापेक्ष, तो हम लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या है डी एक्स अपान डी थीटा, आई एक का जीरो आई ए वैसे ही लिख लो, और साइन का क्या आ जाएगा कास थीटा, तो डी एक्स बटा डी थीटा वह माइनस ए कॉस थीटा, इसको एक मान लो। पुनः एक तुम्हारा वाई बराबर दिया है बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखना थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो कहा जाएगा डी वाई बटा डी थीटा बराबर बी वैसे ही लिख लो, अध्याय के लिए अवकलन कर दो, क्या करना है पहले घात के लिए करो दो आगे, आयो घट जाएगा इसमें से, और फिर कास का क्या होता है साइन होता है, लेकिन माइनस होता है तो माइनस साइन थीटा, तो डी वाई बटा डी थीटा बराबर माइनस दो बी कास थीटा साइन थीटा, समीकरण नंबर दो होगा। और आपको हमेशा जब भी प्रवर्तन निकालना है तो आप देखिए डी वाई आपको ऊपर चाहिए, इसका मतलब हुआ कि समीकरण दो में हम लोग समीकरण एक से क्या कर देंगे भाग देंगे, तो लिख सकते हैं समीकरण दो में समीकरण एक से भाग देने पर, तो भाग दो यहाँ पर लिखते हैं तो डी वाई बटा डी थीटा बटा में डी एक्स बटा डी थीटा बराबर हाई लिख लेना माइनस टू बी कास थीटा साइन थीटा, और नीचे लिख लेना एक में माइनस ए कास थीटा, ठीक है। अच्छा एक मिनट आओ, ये साइन है ना, तो साइन का अवकलन कॉस है, ठीक है ठीक है। चलो कुछ कटेगा, कॉस से कॉस कट गया बस, इसे ये कट गया तो डी वाई बटा डी एक्स माइनस टू बी साइन थीटा, अच्छा नीचे ये है तो ये नहीं, और साइन बटा कॉस को टेन में टेन थीटा कर। लेकिन अब सवाल में आप देख लीजिएगा कि हमें थीटा एक पाई बाई टू दिया है ना, पाई बाई टू है कि पाई बाई फोर है, तो देख लो पाई बाई टू रखने पर, अच्छा कट गया यार ये, क्यों साइन बचा है साइन थीटा है, तो डी वाई बटा डी एक्स माइनस टू बी अपान ए
साइन पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू है, पाई का मतलब 180 बटा दो काटेंगे तो 90, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस टू बी बटा में साइन 90 का मानिए, तो डी वाई बटा डी एक्स माइनस टू बी वाई, ये हमारा कहाँ गया, ये तो ए न आया का, किसका पूछा, अभिलंब का, अब लिख देंगे अभिलंब का परिवर्तन, विलंब का प्रवर्तन जब निकालेंगे तो माइनस एक बटा डी वाई बटा डी एक्स माइनस एक कैसे माइनस दो भी बटा ही माइनस में के पलट दो तो यह पॉइंट टू गया इसका सही ऊपर देते ए रहा माइनस लगेगा तो ही कहाँ गए थे वही ना वही है ये वाला ना आया क्यों ऐसे मत क्या हाल है जब भैया तब उठा के लगी तो घात वाला है तो पलटवा तो नीचे वाले ऊपर चला जाता तो माइनस में लगता है यही लगता। चलो क्वेश्चन नंबर 6 था, अब क्वेश्चन नंबर 7 के पास आते हैं। 7 में कह रहा है कि वक्र y बराबर x पर 3 तो उन बिंदुओं को ज्ञात करना जिस पर स्पर्श रेखा के स्पर्श रेखा x अक्ष के का है समांतर, तो इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 लगा लिए है ना, 7 से आज लगाना है ना, 7 नंबर चलो देखो, दिया गया वक्र आपका है, वक्र है वाई बराबर एक्स पर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस 7 दे दिया गया। आकार निकालना जानते हो, बिंदु निकालना है आपको, क्या पूछ रहा है बिंदु का मान कितना होगा, बिंदु का मतलब हुआ कि एक्स वाई का मान पूछ रहा है, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर, देखो जब भी एक्स अक्ष के समांतर कहेगा ना तो जो परिवर्तन होगा जीरो होगा, परिवर्तन क्या होगा जीरो, कहाँ जीरो होगा, क्योंकि जब एक्स अक्ष के समांतर होगा तो एक्स पर काटेगा ही नहीं, इसलिए सुनो ध्यान से हल करते आओ। वाई बराबर का दिया एक्स पर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस 1, हम करेंगे क्या, हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, या लिखाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष तुम अवकलन करोगे तो क्या होगा, होगा डी वाई बट्टा डी एक्स डी डी एक्स देते हैं डी डी एक्स, यहाँ एक्स पर 3 डी डी एक्स 3 एक्स स्क्वायर डी डी एक्स 9 एक्स डी डी एक्स तो डी वाई बटा डी एक्स 3 एक्स पर 2 3 आगे आ जाएगा 6x केवल 9 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन दिया है देखो ध्यान से, लेकिन डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना रखा है, जीरो रखा है, तब इसके जगह पर जीरो रखा जाएगा, जीरो बराबर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस 9, यहाँ से 3 कामन ले लो तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 3, इसको पहले कर दो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अच्छा इसको तोड़ना है तो 3 और 2 में तोड़ दो, 3 और 1 में तोड़ो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 तीन में से जाएगा दो और तीन ही लिखो बराबर जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस एक्स माइनस 3 बराबर जीरो, यहाँ से एक्स कामा ले लो तो एक्स माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ से एक कामा ले लो तो एक्स माइनस 3 बराबर जीरो, इन दोनों में से एक में एक्स माइनस 3 एक में एक्स प्लस एक प्लस 1 यानी, और तब लिखना यदि एक्स माइनस 3 बराबर जीरो तो एक्स बराबर 3, और यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1। अच्छा ये तो x के दो गो मान आ गए ना, तो y के निकाल लेते हैं, देखो यही मेन समीकरण आपका बनेगा एक, तो अब लिखना x बराबर, अब लिख लो x बराबर 3 समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में, अरे जब बिंदु पूछेगा तो हमें x y का मान निकालना,
तो एक में रखो वाई वैसे ही रखो, जहाँ एक से ता का रखो तीन, तो तीन को ऊपर तीन माइनस तीन गुणे ये तीन को ऊपर दो माइनस नौ गुणे तीन प्लस एक सत्ताईस, ये तीन तीन का नौ तीन सत्ताईस, ये सत्ताईस प्लस वन इतना है। चलो सत्ताईस है सत्ताईस कैंसिल और ये घट जाएगा माइनस सत्ताईस में से एक तो माइनस छब्बीस हो जाएगा। पुनः एक लिख रहा देखो यहाँ पर बिंदु एक प्राप्त हो चुका है आपका, कौन कौन एक्स का मान कितना रखे तीन, तो वाई का मान आ गया माइनस छब्बीस। पुनः लिखना एक्स अब माइनस एक फिर समीकरण एक में रखने पर रखो एक में, ये तो है वाई बराबर जहाँ एक से माइनस एक के उत्पत्ति माइनस तीन गुणे माइनस एक के पावर दो माइनस नौ गुणे माइनस एक प्लस एक तो जाएगा वाई बराबर, जब माइनस होगा तो माइनस होगा माइनस तीन आई प्लस एक आई प्लस नौ प्लस एक वाई बराबर माइनस तीन एक माइनस चार नौ एक दस छः आ जाएगा। तो एक तो बिंदु है एक आ चुका है एक, दूसरा का बिंदु जब निकालोगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना एक्स वाई के माने माइनस छब्बीस नहीं एक्स के माने माइनस एक और वाई के माने छः, तो ये बिंदु हमको निकाल दो बिंदु का हो गया प्राप्त हो गया। चलाओ क्वेश्चन नंबर कौन हल करना है नाइन नंबर की एट, चलो आठ नंबर आते हैं हल करते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन देखो बहुत आसान आसान सब क्वेश्चन है, कह रहे समय कि एक वक्र दिया गया है वाई बराबर दिया गया है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब बिंदु इसमें भी ज्ञात करना है बाबू, जब बिंदु पूछेगा तो कहाँ निकालना है एक्स और वाई का मान निकालना है। अलग एक और बिंदु दो बिंदु दिया है, दो बिंदु दिया है क्या दो जीरो और क्या होगा चार चार। अच्छा पहले बाद में उसको अवकलन किया जाएगा ना, पहले काम हम आपको बता देते हैं कि इन दोनों बिंदुओं से पहले हम लोग निकाल लेते हैं परवर्ता, जो दो बिंदु देख रहे हैं ना इन दो बिंदुओं से निकाल लेते परवर्ता। अच्छा आपको याद है इसको हम x1 मानते थे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब परवर्ता के एक और हम सूत्र आपको बताते हैं, परवर्ता यानी dy वाई बटा डी एक्स एक और सूत्र आप इलेवंथ में पढ़े थे, ये y2 टू माइनस वाई वन बटा में x2 टू माइनस एक्स वन याद करें पढ़े थे इलेवंथ में हम लोग, लेकिन बस अंतर ये था कि जहाँ dy वाई बटा डी एक्स है ना वह हम लोग यम लिखते थे, यम ढाल जिसको कहते हैं। तो अब क्या हो गया हमारे पास कि डी वाई बटा डी एक्स और जहाँ वाई टू है तहाँ पर चार रख दो, जहाँ वाई वन है तहाँ पर क्या है जीरो है तो जीरो रख दो, जहाँ एक्स टू है तहाँ पर चार रख दो, जहाँ एक्स वन है तहाँ पर दो, तो आ जाएगा चार बटा चार में से दो जाएगा दो कर दोगे तो दो, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या आ गया दो। एक तो ये चीज़ आ गई, अब आपको इसको अवकलन करना है, पुनः लिखना है यहाँ पर अब एक चीज़ है पुनः y बराबर x माइनस टू के ऊपर टू है, यहाँ पर लिखा जाएगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो अवकलन करोगे तो देखो कैसे करोगे होगा ये dy वाई बटा डी एक्स, इसमें जो घात होगा आगे आ जाएगा और इसमें से घटा दोगे तो क्या हो गया dy वाई बटा डी एक्स बराबर दो और एक्स माइनस दो आ गया। ठीक है अब लेकिन 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 दिया है आपके सवाल में कि डी वाई बेटा डी एक्स की जगह पर आप दो रख सकते हैं, रख सकते हैं ना, तो यहाँ आ जाओ तो इसके जगह पर जहाँ इतना इसके जगह पर दो रख दो, हमने दो रख दिया बराबर एक्स माइनस दो हो गया, दो हमने रख दिया यहाँ पर बराबर दो और एक्स माइनस दो हो गया, तो ये दो है ये बटा में दो बराबर एक्स माइनस दो हो जाएगा, दो से दो कैंसिल वन बराबर एक्स माइनस दो इधर आ जाएगा तो वन प्लस दो बराबर एक्स या एक्स बराबर दो ये कितना हो गया तीन हो गया। अच्छा मेन समीकरण पहले देख रहे ना यही होता है, ये मान लो आखिर एक्स का मान निकल गया तो आखिर वाई कहाँ से आएगा, हमें तो बिंदु निकालना है एक्स वाई का मान, तो इसीलिए कब नू कभी भी अगर एक्स का मान आता है तो उसको समीकरण एक में रख दो, एक में रख दो तो वाई के निकल जाए, तब लिखा जाएगा एक्स बराबर तीन समीकरण एक में रखने पर, तो रखो एक में।
तो वाई जैसे है वैसे ही लिख लो, आई एक्स के ऊपर का लिख लो, तीन माइनस दो इसका होल स्क्वायर घटेगा तो एक, एक का स्क्वायर तो एक आ गया। तो हमें बिंदु बताना है, तो बिंदु हमारे पास आ गया कितना, तीन कमा करके एक हजार आ गया। समझ लो, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 9 के पास। देखो वक्र दे दिया आपका वाई बराबर डाला हुआ एक्स पर 3 माइनस 11 एक्स प्लस 5, ठीक है 11 एक्स प्लस 5। कुछ बात में और कहा इसमें कि उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, फिर वही बात है यहाँ, फिर बिंदु पूछना है। जब एक बिंदु पूछता है तो हमें एक्स वाई के मान का करना निकाल। कुछ और आगे बात दिखा है, जिस पर स्पर्श रेखा का समीकरण है, एक समीकरण और भी दिया है वाई बराबर एक्स माइनस ग्यारह, दो आपको समीकरण दिया है। तो कुछ नहीं करना है, दोनों को अवकलन करके बराबर कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको एक मान लो, इसको दो मान लो, लेकिन आज समीकरण एक का अवकलन करने पर, समीकरण एक का अवकलन, चलो करो डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू हाई हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11 हो गया। थोड़ा लिखना समीकरण दो का अवकलन करने पर, तो यहाँ पर है ना, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर ए एक्स का मान एक हो जाएगा, ठीक है ना। अब लिखा जाएगा दोनों का अवकलन के मान को बराबर करने पर, दोनों समीकरण, जब दो समीकरण दिया होता है ना तो दोनों के अवकलन को बराबर कर लेते हैं। ये वाला अवकलन यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी वाई बटा डी एक्स, ये जो आपके पास है 3x स्क्वायर माइनस 11 और ये हो जाएगा 1, तो हो गया 3x स्क्वायर 1 प्लस 11 3x स्क्वायर बराबर 12, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 12, तो x स्क्वायर बराबर 12 बटा 3, 3 से काट दो 4 बार में, तो x स्क्वायर बराबर 4, x बराबर कर लेंगे 4, x बराबर प्लस माइनस 2, ठीक है। एक बार क्या करोगे ना, x बराबर 2 समीकरण एक में रख दो, एक में रखो चाहे दो में रखो, जिसमें चाहे दो में रखो आसान है, जिसमें जितना एक माएगा उतना दो माएगा, तो y बराबर हो जाएगा 2 माइनस 11 माइनस 9, तो एक बिंदु हमारे पास आ गया कितना, x का मान दिए 2 तो y का मान माइनस 9, फिर लिखा गया x बराबर पुनः लिखाना x बराबर माइनस 2, फिर समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखोगे तो यही है ये वाला हिस्सा, वाई बराबर जहाँ एक से था माइनस 2 माइनस 11 माइनस 13 हो जाए, ठीक है। तो एक और बिंदु यहाँ से निकल गया हमारे पास, कितना निकल गया माइनस 2 माइनस 13, ये हमारा आंसर है।